तो कर्ण मुक्तेश्वर महादेव में आए हुए श्रद्धालु से हम थोड़ी बातें करेंगे। हूँ लगभग अँ 22 वर्ष थी आयो दर्शन करवा, श्रावण महीनो हो, शिवरात्रि हो, दर मारी मन में बधी तमन्ना भगवान पूरी कराए, वर्षों थी आऊँ, 22 वर्ष थी आऊँ कंटिन्यू। हर हर महादेव। ईस्वी सन 1100 साल पहले जब राजा कर्णदेव गुजरात के राजा थे, तब उन्होंने यहाँ नगर स्थापने की विचार किया था। तब इन्होंने सबसे पहले कर्णावती नगर का स्थापन करने के लिए विचार किया, तब उन्होंने सबसे पहला ये मंदिर बनाया था। इसके नाम पर से अहमदाबाद का नाम उस टाइम कर्णावती नगर भी था, जो अभी भी चल रहा है मुद्दा। तो ये बहुत ही मतलब इसमें बहुत श्रद्धा है लोगों को अपने नगर के मेन देवता है अहमदाबाद के कर्णावती के, इसलिए हम हर साल यहाँ पे आते हैं। हमको बहुत श्रद्धा है, बस दर्शन करके हम आनंद मिलता है हमें। मैं यहाँ पर करीबन 25 साल से हम यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं हर शिवरात्रि को श्रावण मास में। और जिस तरह अपने अहमदाबाद के नगर देवी भद्रकाली है, उसी तरह ये अपने कर्ण मुक्तेश्वर महादेव नगर देवता है। और अहमदाबाद नगरवासी को यहाँ पर जरूर से यहाँ पर दर्शन के लिए आना चाहिए, और जो भी आता है इनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। आज हमारे साथ है कर्ण मुक्तेश्वर महादेव के पंडित जी। मंदिर कब बना और इनका इतिहास क्या है, हम इन्हीं की जुबानी से सुनेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भगवान कर्ण मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर 1100-1200 साल पुराना है। इस मंदिर की स्थापना पाटन के राजा सिद्धराज जयसिंह के लड़के कर्णदेव ने इस मंदिर का स्थापन किया, और भगवान कर्णदेव यानी कर्ण मुक्तेश्वर महादेव उन्हीं के नाम से इस अहमदाबाद का नाम पहले कर्णावती रखा हुआ था। कुछ समय के अंतर्गत साम्राज्य के अनुसार इस कर्णावती का नाम अहमदाबाद रख दिया गया। इस कर्ण मुक्तेश्वर महादेव की घनी महत्ता है। ये भगवान के शिवलिंग के ऊपर प्राचीन में एक मणि हुआ था, मुगल साम्राज्य में इसका विध्वंस हुआ और उसको निकाल दिया। यहाँ कई साल पुरानी मूर्तियाँ भी है, और भगवान शिवलिंग के ऊपर अभी भी छेद यानी खड्डा पड़ा हुआ है उस मणि के निकालने के बाद भी। और सभी भक्तजन भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अपने परिवार की और अपनी आत्मा की कल्याण के लिए इस शिव मंदिर में प्रत्येक सोमवार को, श्रावण मास को और शिवरात्रि के दिन कई प्रकार के द्रव्य से भगवान शिव की पूजा करते हैं। जैसे भगवान के ऊपर जल की धारा करते हैं, दूध की धारा करते हैं, गन्ने का रस चढ़ाते हैं, बेलपत्र पुष्प और कमल के पुष्प से भगवान को रिझाते हैं। विशेष में अपने शरीर की आयु के लिए काले तिल या श्वेत तिल से भगवान का पूजन अर्चन करते हैं। ऐसे तो भगवान की पूजा में कई प्रकार है, मगर शिव जी को जल की धारा खूब प्रिय है, क्योंकि उनका नाम एक शिव है, शिव यानी कल्याण, और दूसरा नाम है रुद्र। भगवान रुद्र से वो अपने भक्त को कष्ट को दूर करके उनको रुदन करवाते हैं, और उनको पश्चाताप होने के बाद भगवान शिव का यानी कल्याण का आशीर्वाद लेके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस भगवान शिवलिंग के अंतर्गत यहाँ पे भगवान के पास आके जो भी भक्त अपनी कामना रखता है, भगवान कर्ण मुक्तेश्वर देव उसकी सभी कामना पूर्ण करते हैं। कर्ण मुक्तेश्वर महादेव के ट्रस्ट के हिसाब से यहाँ पे आने वाले सभी भक्तों के जीवन में होने वाले दुखों को दूर करने के लिए प्रत्येक सोमवार को सायंकाल, शिवरात्रि को पूर्ण दिन और श्रावण मास को सायंकाल को महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन है। वो निःशुल्क है, सभी भक्त किसी भी प्रकार की जाति भेद के बिना यहाँ आके भगवान शिव की पूजन अर्चन और महामृत्युंजय की आहुति देकर अपनी मन की कामना पूर्ण करते हैं। ऐसे भगवान कर्ण मुक्तेश्वर का शिवरात्रि का भी महत्व है कि तीन रात्रि बताइए, महारात्रि, मोहरात्रि और कालरात्रि। महारात्रि यानी शिवरात्रि, मोहरात्रि यानी जन्माष्टमी
और कालरात्रि यानी काली चौदस माँ दुर्गा की आराधना, इन सभी देवताओं के अंतर्गत देवादिदेव महादेव जिसने जगत कल्याण के लिए विष का ग्रहण किया और सभी मनुष्य को उसमें से निकाल कर ये संसार रूपी सुख दिया, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ और देवादिदेव महादेव कहा जाता है। इस भगवान की जो कोई भी आराधना और पूजन करता है उसकी सभी मनोकामना तो पूर्ण होती है, मगर उसका आत्मा का कल्याण होके शरीर में आने वाली सभी आधि व्याधि और उपाधि भगवान शिव दूर करते हैं। हम सब मिलके भगवान शिव जी को प्रार्थना करते हैं इस विश्व में आने वाली सभी महामारी दूर होए और सभी का कल्याण होए, ऐसी भगवान शिव से आराधना और प्रार्थना। तो देखा दोस्तों, कर्ण मुक्तेश्वर महादेव का इतिहास। कहा जाता है कि शिव जी को अगर हम दूध दही घी अगर ये कुछ भी नहीं सिर्फ एक जल का लोटा भी चढ़ा देते हैं तो भी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। आप सब भी एक बार जरूर अहमदाबाद के कर्ण मुक्तेश्वर आइए और शिव जी के आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर महादेव।